नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MR न्यूज एंड नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे RAS एंड RTS भर्ती परीक्षा 2021-22 की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अभी हाल ही में RAS एंड RTS के 988 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विज्ञप्ति आप हमारे वीडियो में देख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए दोस्तों अब विज्ञप्ति को विस्तार से देखते हैं। दोस्तों इसमें दिया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर क्रम संख्या 2003 परीक्षा RAS RTS EP1 2021-22 यानी कि RAS RTS की 2021-22 की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। फिर है दोस्तों, आयोग द्वारा कार्मिक विभाग के लिए गैर TSP क्षेत्र सामान्य हेतु राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1999 के अंतर्गत TSP क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त परीक्षा 2021 के कुल 988 पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि कुल 988 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पद स्थायी एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी एवं वृद्धि की जा सकती है का सेवावार वर्गीकरण निम्नानुसार है, यानी कि दोस्तों 988 पदों में से कौन सी सेवा में कितने पद है इसका वर्गीकरण अलग से दे दिया गया है। राजस्थान राज्य सेवा के पद दोस्तों इसमें राजस्थान राज्य सेवा पद में कुल 363 पद दिए गए हैं। फिर है दोस्तों अधीनस्थ सेवा के पद दोस्तों अधीनस्थ सेवा के कुल 625 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है और कुल पदों पर 988 पे भर्ती निकाली गई है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, फिर एक नोट दिया गया है, केवल TSP क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी TSP क्षेत्र गैर TSP क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए प्राथमिक क्रम के अनुरूप ही विचार किया जाएगा। प्राथमिकता क्रम भर नहीं जाने पर TSP क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। अर्थात TSP के अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता भर दें कि उन्हें TSP क्षेत्र चाहिए या गैर TSP क्षेत्र। फिर आगे दोस्तों, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता दोस्तों RAS एंड RTS के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। अर्थात जो व्यक्ति स्नातक उत्तीर्ण कर चुका है या स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है और उसकी एग्जाम दे चुका है या एग्जाम देगा, वो अभ्यर्थी RAS एंड RTS का आवेदन कर सकता है, किंतु जो अभ्यर्थी अभी तक स्नातक उत्तीर्ण नहीं किया है उन्हें RAS की मुख्य परीक्षा से पूर्व स्नातक उत्तीर्ण करने का सबूत पेश करना होगा, अन्यथा वह अपात्र माना जाएगा। फिर दोस्तों आयु सीमा, दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम, यानी कि 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष का एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम का हुआ अभ्यर्थी इसका आवेदन कर सकता है। फिर अराजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी 2022 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो वो आवेदन कर सकता है। फिर दोस्तों आयु वर्ग में
अधिकतम आयु में छूट। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष, इनको अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। फिर राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला, इनको अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी गई है। फिर सामान्य वर्ग की महिला, इनको अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। फिर विधवा विच्छिन्न विवाह महिला, इनकी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, फिर चयन की प्रक्रिया। दोस्तों अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। फिर परीक्षा का स्थान एवं माह, परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, यानी कि बता दिया जाएगा कि एग्जाम कब होगी। फिर परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ में ऑनलाइन / ऑफलाइन ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। दोस्तों RSRTS में प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दो होती है, तो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे तथा ये ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों में से किसी भी माध्यम में ली जा सकती है। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप में ली जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष जारी कर दिया जाएगा, यानी कि मुख्य परीक्षा कैसी होगी, वर्णनात्मक रूप से ली जाएगी। फिर आवेदन की अवधि, दोस्तों दिनांक 28 जुलाई 2021 से दिनांक 27 अगस्त 2021 रात्रि 12 बजे तक आवेदन किए जा सकते हैं। फिर आवेदन की प्रक्रिया, दोस्तों आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे और आवेदन RPSC की वेबसाइट से आप ऑनलाइन भर सकते हो। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, यानी कि अगर आपने आवेदन भरते समय आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि कर दी गई है तो आपको उसे सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क ₹300 देकर ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशानुसार कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि दोस्तों अगर किसी को अपने आवेदन में संशोधन करना है तो आपको ₹300 का शुल्क देना पड़ेगा और आवेदन की अवधि एवं अवधि के पश्चात 10 दिनों के अंदर आपको संशोधन करना होगा, इसके बाद में संशोधन नहीं किया जाएगा। फिर दोस्तों विधवा परित्यक्ता विकलांग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त कैटेगरी जोड़ना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी का लिखित परीक्षा, समीक्षा परीक्षा अथवा साक्षात्कार के अंतिम परिणाम घोषणा की तिथि से पूर्व तक वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा, यानी कि यदि कोई विधवा परित्यक्ता या विकलांग वर्ग का अभ्यर्थी अपने वर्ग में संशोधन करना चाहता है तो लिखित परीक्षा, समीक्षा परीक्षा या साक्षात्कार के रिजल्ट से पहले तक अपने वर्ग में संशोधन कर सकता है। परीक्षा के प्रत्येक चरण के मूल परिणाम, मूल परिणाम से तात्पर्य प्रथम बार जारी परिणाम से होगा, ना कि अन्य किसी रिस्पल परिणाम से पूर्व प्राप्त ऐसे प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होंगे। किसी भी स्थिति में किसी चरण के परिणाम घोषणा के उपरांत प्राप्त प्रार्थना पत्रों में पूर्व घोषित परिणाम में संशोधन नहीं किया जाएगा, परंतु यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण के परिणाम के मूल कैटेगरी में उत्तीर्ण है एवं बाद में विधवा परित्यक्ता विकलांग हो गया हो तो उन्हें अगले चरण की परिणाम घोषणा की तिथि तक इस श्रेणी का लाभ देय होगा। फिर चलते हैं दोस्तों आगे, फिर परीक्षा शुल्क,
सामान्य वर्ग एवं राजस्थान की क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क ₹350 रखा गया है। फिर राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के आवेदकों हेतु आवेदन शुल्क ₹250 रखा गया है। फिर निःशक्त जन राजस्थान का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है के आवेदकों हेतु आवेदन शुल्क ₹150 रखा गया है। फिर दोस्तों TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले का समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जाति के आवेदकों हेतु आवेदन शुल्क ₹150 रखा गया है। फिर दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, दोस्तों RSRTS का एग्जाम 3 स्तरों पे होता है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, उसके पश्चात साक्षात्कार होता है। तो दोस्तों RSRTS के 988 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है तथा 28 जुलाई से आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो अंतिम दिनांक का इंतजार नहीं करते हुए समय रहते ही आवेदन कर दें, साथ ही तैयारी शुरू कर दें तथा सिविल सेवा में जाने का अपना व अपने घर वालों का सपना पूर्ण करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और एजुकेशनल न्यूज़ के साथ।